हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल को खास कर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हेलो दोस्तों, मैं नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेबी क्वेश्चन नंबर 3 है, जो जेबी का प्रिंसिपल प्रैक्टिस बैंकिंग क्वेश्चन नंबर 3 है। रिटेल बैंकिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम रिटेल बैंकिंग से समझते क्या है, क्या समझ में आता है हमें रिटेल बैंकिंग से, राइट? देखिए, रिटेल बैंकिंग जो हम लोग नॉर्मल बैंकिंग कर रहे हैं, रूटीन में जो बैंकिंग हम लोग करते हैं, जहां आप देखते होंगे, जो जहां भी आप लोग काम कर रहे हो, तो वो जो भी ब्रांचेज है, जैसे जो ब्रांच के अंदर काम कर रहे हैं, ब्रांच के अंदर काम कर रहे हो कहीं ना कहीं, उसी को रिटेल बैंकिंग बोलते हैं। यानी हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं ब्रांच बैंकिंग। नॉर्मली सारे लोग यही काम करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रिटेल बैंकिंग बोलते हैं। इसमें लोग किस तरह के कस्टमर के साथ डील करते हैं वो समझिए। कोई कस्टमर हमारा आपके जैसा होगा जिसको हम इंडिविजुअल बोलेंगे, कोई कंपनी वाला भी आदमी आता है, छोटे मोटे कंपनी वाली, बड़ी कंपनी नहीं, छोटे मोटे कंपनी, उसका तो हो सकता है उसका प्राइवेट, क्या बोलेंगे इसको, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट खुलता है, पार्टनरशिप अकाउंट खुलता है, सोसाइटी का अकाउंट खुलता है, HUF का अकाउंट खुलता है, NGO का अकाउंट खुलता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का अकाउंट खुलता है, फिर इतने सारे लोगों का हम लोग अकाउंट खोलते हैं। यानी हम लोग इन सभी लोगों के साथ डील करते हैं। दूसरे भाषा में अगर हमको पूछा जाए कि किस किस के साथ हम लोग डील्स करते हैं, डील्स विद इंडिविजुअल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, उसका स्मॉल प्राइवेट कंपनी ठीक है, ट्रस्ट, सोसाइटी, एसोसिएशन, इतने सारे का अकाउंट खुलता है और भी इसके अलावा भी होंगे, एक्सेट्रा मैंने डाल दिया। जैसे आप डाल सकते हैं JAG, SHG, MSME, ये सब भी खुलता है, एक्सेट्रा, ठीक है। रिटेल बैंकिंग में दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, दूसरा होता है लोन का प्रोडक्ट, ठीक है, या एडवांसेज हम बोलते हैं। अगर हम बात करें इसमें प्रोडक्ट्स की, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स है आपके पास, दो है, एक तो हो गया हम जिसको एडवांसेस या लोन्स का नाम देते हैं, दूसरा हो जाएगा डिपॉजिट्स। एडवांसेस लोन्स फिर से दो प्रकार के हैं, एक रिटेल लोन, रिटेल, दूसरा है एग्रीकल्चर। रिटेल में कौन कौन सा लोन देते हैं हम लोग बताइए, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, देते हैं ना, कार लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, और भी बहुत सारा तरह का है, ठीक है। एग्रीकल्चर में आएंगे तो क्या देंगे हम लोग, KCC एग्री अलाइड लोन्स, आया समझ में। अब डिपॉजिट्स की अगर आप बात करोगे तो क्या क्या है हम आ रहे हैं, सेविंग अकाउंट खुलवा लो, करंट अकाउंट खुलवा लो, फिक्स डिपॉजिट करते हैं लोग, आर्डिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, इतना बड़ा नहीं लिखिए, TDR बोलो या FDR बोलो, एक ही बात है, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट या फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, रेकरिंग डिपॉजिट, ये चार तरह का ही डिपॉजिट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे MSME को भी सेपरेटली डील करते हैं, तो MSME का भी डिपॉजिट्स और एडवांसेज होता है, इसका भी दो चीज है, डिपॉजिट्स और एडवांसेज, इसका भी अलग अलग टाइप का स्कीम्स है, तो उसमें भी ये काम करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग काम करते हैं दूसरे तरह के सर्विसेज भी हम लोग देते हैं, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, नाम सुने होंगे सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, लॉकर की फैसिलिटी भी हम लोग देते हैं, डिपॉजिटरी सर्विसेज देते हैं, फिर हम लोग बैंक इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचते हैं, इंश्योरेंस अगर किसी को चाहिए तो इंश्योरेंस का भी काम करते हैं, तो आप इसमें ले सकते हैं अदर प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज में सेफ डिपॉजिट लॉकर्स
डिपॉजिटरी सर्विसेज बैंक का सूरज प्रोडक्ट, इस तरह की चीज हम लोग यहाँ पे देते हैं आपको। ये सारा पॉइंट्स प्लीज लिख लीजिए अभी कॉपी में, ठीक है। वीडियो पॉज करके सारा लिखते चलिए, ओके। वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे होलसेल बैंकिंग के ऊपर। नाम सुने इसका, होलसेल बैंकिंग। कभी नाम सुने इसका, होलसेल बैंकिंग क्या होता है क्या नहीं होता है? होलसेल बैंकिंग को बेसिकली हम लोग कॉर्पोरेट बैंकिंग बोलते हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग के नाम होलसेल बैंकिंग को ही बोला जाता है। और यहां पे बेसिकली बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बिग कॉर्पोरेट्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ डील करते हैं। उदाहरण के लिए नेस्ले इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कंपनी, इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसे बहुत सारी कंपनी है बड़ी बड़ी। अब इनको क्या होता है, मानो लोन भी लेना हो तो 50,000 करोड़ का लोन चाहिए। मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को चाहिए 50,000 करोड़ का लोन, कहां से देगा? ब्रांच वाला दे सकता है, नहीं दे सकता है। एक स्केल फोर की ब्रांच की कैपेसिटी होती है डिपॉजिट्स प्लस एडवांसेस को जोड़ दे 250 करोड़ के आसपास। स्केल फाइव ब्रांच की कैपेसिटी होती है 1500 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो ये सब ब्रांचेज हैंडल होता है स्केल सिक्स स्केल सेवन के द्वारा, यानी डीजीएम या जनरल मैनेजर को हेड करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें इनके पास बहुत हेवी रिक्वायरमेंट होती है लोन्स की, या डिपॉजिट्स में भी बहुत बड़ा पैसा देते हैं, छोटा मोटा नहीं देते, लाख डेढ़ लाख करोड़ रुपए, कई करोड़ देते हैं। 1500 करोड़ रुपए डिपॉजिट है, 2000 करोड़ रुपए डिपॉजिट है, 20,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट है, लोन भी वैसे लेंगे 50,000 करोड़ का लोन लेंगे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और बहुत सारी कंपनीज हैं। तो बेसिकली क्या समझ में आया कि ये लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स और बड़े बड़े बिजनेस एंटिटीज से डील करते हैं, जो बेसिकली बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है। इसको हम लिख लेते हैं, डील्स विद लार्ज इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एंटिटीज मोस्टली बिग कॉर्पोरेट्स, MNC, मल्टीनेशनल कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। फिर यहां पे जो आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, प्रोडक्ट्स मतलब एडवांसेस की हम बात कर रहे हैं, लोन्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली दो तरह का होता है, फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड उसको बोलते हैं जहां पे अकाउंट सैंक्शन हुआ तो तुरंत पैसा अकाउंट में आ जाता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे टर्म लोन, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, बिल डिस्काउंटिंग, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट। पर नॉन फंड बेस्ड फाइनेंस में क्या होता है, जब जरूरत होगा तभी वो कैश में कन्वर्ट होता है, नहीं तो नहीं होता। एग्जांपल लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, बैंक गारंटी हो गया। इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिए कि हम अगर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं एडवांसेस में, या हम बात करें लोन्स में, तो दो प्रकार के हैं। एक है फंड बेस्ड और दूसरा हो जाएगा नॉन फंड बेस्ड, ठीक है। ये हो जाएगा टर्म लोन, फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, बिल डिस्काउंटिंग, स्ट्रक्चर फाइनेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट। नॉन फंड बेस्ड में हो जाएगा लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC,
एंड बीजी यानी बैंक गारंटी, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो हम बोल सकते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज भी ये देता है। वैल्यू एडेड सर्विसेज में क्या हो जाएगा, जैसे कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, चैनल सर्विसेज, वेंडर फाइनेंसिंग, आरटीजीएस, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट। कॉर्पोरेट आरटीजीएस वहां भी होता है, रिटेल बैंकिंग होता है, पर यहाँ पे आरटीजीएस में बहुत वहां पे एकाध दुक्का होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। आरटीजीएस भी होता है, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट है, सर्टिफिकेशन सर्विसेज है। बेसिकली आरटीजीएस निकाले गया था इन्हीं लोगों के लिए, और अलग बात रिटेल बैंकिंग में यूज होता है। आरटीजीएस बड़े अमाउंट को ट्रांसफर करना होता है तुरंत बेसिस पे, इंस्टेंटली, इसलिए बेसिकली कॉर्पोरेट बैंकिंग के लिए आया था। हालांकि यूज रिटेल बैंकिंग में भी होता है, ज्यादातर पैसे इनका ही हेर फेर का काम है ना। फिर आरटीजीएस का कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, सर्टिफिकेशन सर्विसेज, फॉरेक्स, मनी मार्केट, एम्प्लॉय ट्रस्ट, ईसीएस, टैक्स कलेक्शन, बैंकर्स टू राइट या पब्लिक इश्यू, पेमेंट गेटवे सर्विस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी ये देता है आपको। तो सारा लिख लीजिए आप क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, चैनल सर्विसेज, वेंडर फाइनेंसिंग, आरटीजीएस, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, सिंडिकेशन सर्विसेज, फॉरेक्स, मनी मार्केट, एम्प्लॉय ट्रस्ट, ईसीएस, टैक्स कलेक्शन, बैंकर्स टू राइट या पब्लिक इश्यू, पेमेंट गेटवे सर्विसेज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग ये कुछ इस तरह के सर्विसेज है आपके, ठीक है। तो सारा पॉइंट्स प्लीज लिखते चलिएगा, ठीक है, हेल्प करेगा तभी आपको, नहीं लिखिएगा कोई फायदा नहीं होने वाला पढ़ने का, ठीक है, लिखते चलिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल बैंकिंग के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 है इंटरनेशनल बैंकिंग। इसमें क्या होता है, क्या समझते हैं आप इंटरनेशनल बैंकिंग से? एक कंट्री ये है इंडिया, एक कंट्री है यूएसए, दोनों एक कंट्री के साथ बिजनेस करना चाहती है, दोनों एक कंट्री के साथ बिजनेस करना चाहती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक कंट्री क्या करना चाहती है, दूसरे कंट्री से बिजनेस करना चाहती है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इंटरनेशनल बैंकिंग हो रही है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस कर रही है, यानी ये कैटर कर रही है, क्या बोल सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करती है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन ये कर रहा है,
ये बना ना, ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर रहा है, राइट। अब आइए फोर्थ पॉइंट है, ईपीसी यानी एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट बोलते हैं हम लोग इसको, नाम सुने इसका, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। क्या होता है ये कि यहां पे दो तरह की चीजें होती है बेसिकली। ये हम लोग एक्सपोर्ट जब सामान को कहीं भेजते हैं दूसरे कंट्री में, एक्सपोर्ट नाम से समझ में आ रहा है, एक्सपोर्ट करते सामान को हम बेचते हैं ना, सेल करते किसी दूसरे कंट्री में, तो वहां एक्सपोर्ट हो जाती है। ये फिर से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्री शिपमेंट फाइनेंस दूसरा हो जाएगा पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस और ये दूसरा पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस है आपका। प्री शिपमेंट फाइनेंस और क्या है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस है। फाइनेंस से क्या समझते हैं हम लोग, क्या समझ में आता है आपको फाइनेंस से, बताइए। फाइनेंस इज नथिंग बट क्रेडिट। क्रेडिट को क्या बोलते हैं, लोन या एडवांसेज होगा ये, समझ में आ रहा है। यानी यहां पे जहाज पे सामान लोड होने से पहले पैसा आप दे रहे हैं, ठीक है, और जहाज पे सामान लोड हो गया उसके बाद पैसा दे रहे हैं, यही हो गया। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं फाइनेंस बिफोर लोडिंग गुड्स इनटू शिप्स, फिर फाइनेंस आफ्टर लोडिंग गुड्स इनटू शिप्स। ये सारे पॉइंट्स है, तो प्लीज इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर आप जेबी का वीडियो लेक्चर कोर्सेज का पैकेज ले सकते हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, अकाउंटिंग का केस स्टडी है, न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 का क्वेश्चन बैंक होगा पीडीएफ में, नोट्स होगा पीडीएफ में, और 30 मॉक टेस्ट होंगे आपके अकाउंट में। जो जेआईबी का कोर्स करना है आपको, उसमें नाम है जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सबसे सेलिंग और पावरफुल वीडियो लेक्चर कोर्सेज है। यहाँ पे जेआईबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे उसका दाम है 1,200, जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उसका दाम है 1,500, जेआईबी का कॉम्बो पे करेंगे उसका दाम है 3,000। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946, और वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbsebistudymaterial.com और ईमेल आईडी हो जाएगा cdcnumber3@gmail.com। ये सारा डिस्क्रिप्शन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।